नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि महानायक अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, अजय देवगन तथा शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स पर क्यों एक FIR दर्ज की गई है, क्यों इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि पान मसाला विज्ञापन में ये जो चारों एक्टर है वो नजर आए थे और ये इन चारों एक्टरों ने पान मसाला ऐड किया था। और दोस्तों इसी के तहत बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना आसमी ने इनके खिलाफ एक केस दर्ज करा दिया है, FIR दर्ज करा दी है। दरअसल दोस्तों तमन्ना आसमी का कहना है कि इन चारों स्टारों ने अपने स्टारडम तथा पैसों के लालच के कारण इन उत्पादों का ऐड किया है। और दोस्तों उनका यह भी कहना है कि ये एक बड़े स्टार है, बहुत बड़े स्टार है और इनको ना केवल बच्चे बल्कि युवा तथा बुजुर्ग भी फॉलो करते हैं और इनकी बात को काफी अहमियत देते हैं। तो अगर ये इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार अगर पान मसाला उत्पादों का ऐड करेंगे तो इससे गलत प्रभाव पड़ता है, समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है और इनको ऐसे ऐड नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसी के कारण तमन्ना आसमी ने इन चारों स्टार्स पर केस दर्ज करा दिया गया है। तो दोस्तों इन चारों स्टार्स पर एक केस दर्ज कर लिया है और ये केस सेक्शन 467, 439 तथा 120B के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको भी जानकारी दे दूं कि इस केस की सुनवाई 27 मई को होगी। हालांकि दोस्तों अमिताभ बच्चन ने जब कमला पसंद पान मसाला का ऐड किया था तो उसके कुछ दिन बाद ही जब वो बुरी तरह से ट्रोल होना शुरू हो गए थे तो उन्होंने अपना नाम ऐड से वापस ले लिया था। साथ ही अमिताभ बच्चन ने यह भी जानकारी दी थी कि उन्होंने जो भी अनुबंध राशि लिए, जो भी इस ऐड के लिए फीस की अग्रिम राशि लिए, एडवांस राशि लिए, वो वापिस कंपनी को लौटा दिए और वो भविष्य में इस प्रकार के ऐड नहीं करेंगे। दोस्तों इसके बावजूद इन चारों स्टार्स पर ये केस दर्ज हो गया है। अब देखते हैं आगे कोर्ट में जब 27 मई को सुनवाई होगी तब इस मामले पर क्या फैसला आता है और आगे ये मामला कितना आगे तक जाता है, इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि तमन्ना आसमी द्वारा लिया गया ये स्टेप कितना सही है। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।